श्योपुर जिले में कहने को तो शिक्षा व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर वर्ष भर में 3 बार विभागीय तौर पर शिक्षा अधिकारी बदले जा चुके हैं, मगर इसके बाद भी शिक्षा व्यवस्थाओं में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हो रहा है। जहां यही कारण है कि शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय के शिक्षकों के हस्तांतरण के बाद विभाग विद्यालय में शिक्षकों की पदस्थापना करना ही भूल गया। मामला श्योपुर जिले के ग्राम उतनवाड़ का है, जहां ग्राम उतनवाड़ में स्थित प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में शासकीय शिक्षक के स्थानांतरण के बाद शिक्षक नहीं होने से शिक्षा व्यवस्था चौपट बनी हुई है। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। स्थिति यह है कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत 300 बच्चे अतिथि शिक्षकों के भरोसे ही है। जहां विद्यालय में शासकीय शिक्षक नहीं होने से अतिथि शिक्षक भी कभी कभी उपस्थित होते हैं। ऐसे स्थिति में विद्यालय में जहां बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, वहीं विद्यालय संचालन भी प्रभावित हो रहा है। वहीं बताया गया है कि पूर्व में विद्यालय में 2 शासकीय शिक्षक पदस्थ थे, जिनका हस्तांतरण पंडोला और तुलसेफ हो गया, मगर स्थिति यह है कि दोनों शिक्षकों द्वारा अपनी आमद पंडोला और तुलसेफ में दर्ज कराए जाने के बाद अभी तक ग्राम उतनवाड़ के प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय को शासकीय शिक्षक नहीं मिले हैं, जहां जिम्मेदारों की अनुपस्थिति में शिक्षा व्यवस्था तो चौपट हो रही है, वहीं विद्यालय व्यवस्था भी भंग पड़ी हुई है। अब देखना ये होगा कि शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय को कब तक शासकीय शिक्षक की सौगात दी जाती है और कब विद्यालय की अव्यवस्था पर विराम लगेगा, इसका ग्रामीणों को इंतजार है। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। कहाँ से आते हो सर? ननावत से। सर यहाँ पे पहले वो सास के पदक थे, 2 सर वो कहाँ हैं? उनका ट्रांसफर हुआ है। कब हुआ सर ये? उनका 30 तारीख के आसपास। कोई नया आया? नहीं आया अभी तक, तो नहीं आया सर। तो ये अतिथि शिक्षक के भरोसे चल रही सर कक्षा? अब अभी तो सर चली रही है, पर अभी सर प्राइमरी में कितने बच्चे हैं? 125। इसमें कितने अतिथि शिक्षक हैं? 3 अतिथि। वो कहाँ हैं बाकी के? बाकी के सर एक तो मिडिल में लग रहा है, उन बच्चों को संभाल रहा है, वहाँ पर अतिथि शिक्षक उन बच्चों को संभाल रहा है। सर ये प्राइमरी की कक्षा थी, उस उधर लगती थी, आज इधर कैसे लगाई? बच्चे टीचर की कमी के कारण ये आपने इधर कर दिया है? हाँ। ठीक है सर, बहुत बहुत अब हम मिडिल स्कूल उतनवाड़ में सर से बात करते। सर आप सास के प्राचार्य या फिर अतिथि शिक्षक? सर मैं अतिथि शिक्षक हूँ यहाँ। जबकि यहाँ 2 सास के पदक थे सर, वो सर उनका ट्रांसफर हो जाने के कारण सारा शिक्षक भी हो गए, और यहाँ पे नए शिक्षक जिनका ट्रांसफर हुआ है वो आने वाले थे, लेकिन अभी तक नहीं आए। शाला संचालन की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और हम निभा रहे हैं। सर वो जो प्राइमरी स्कूल है वो अभी बंद है, सब बच्चे यहीं बिठा के रखे हैं आपने अभी? नहीं नहीं सर, चल रहा है वो भी, वहाँ से बंद कर दिया उधर। अच्छा, से अच्छा, वो टीचर की अब कमी के कारण ही इधर लिया है और यहाँ पे संचालन हो रहा है। मतलब मिडिल में ही प्राइमरी की कक्षा लग रही है जी, होने के कारण मिडिल में ही प्राइमरी की कक्षा भी लग रही है, पर शिक्षकों की कमी के कारण व्यवस्था की एक जगह कर रही है। सर उनका ट्रांसफर हुआ है या करवाया गया है उन्होंने? नहीं सर, उनका शासन के अनुसार ही, नियम के अनुसार ही ट्रांसफर हुआ है। अब यहाँ पे नए शिक्षक की गुहार है कि कोई ना कोई आए और जिम्मेदारी संभाले। अभी तो सर ये अतिथि शिक्षक के भरोसे चल रहा है इसका। कितने अतिथि शिक्षक हैं सर यहाँ पे? हम 6 अतिथि शिक्षक हैं और 2 रेगुलर टीचर थे जिनका ट्रांसफर हुआ। सर अभी तो 2 ही अतिथि शिक्षक आई है सर यहाँ पे, आज 4 प्रेजेंट है, 2 बीमारी के कारण एक कहीं चले गए और एक बीमारी के कारण नहीं आए। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू।